सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी पीएसयू स्टॉक है दो, एसजेविन और एनएचपीसी। ये दोनों के दोनों हाइड्रो पावर एंड जो ये जो सोलर पावर है, इन सब के बिजनेस में लगी हुई है। और दोनों ही शेयर आप लोग देखोगे भी, अभी जो मार्केट में गिरावट बनी थी और ये जो गिरावट बन भी रही है मार्केट में, बनी थी नहीं भी, बन भी रही है, इस गिरावट में जो ये स्टॉक है 30% के ऊपर में क्रैश हो चुके हैं। आज थोड़ा बहुत इन शेयरों में पॉजिटिव जो अभी मूव देखने को मिला, क्योंकि बाजार आज आप लोग देखोगे हमें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव में आते हुए नजर आए। बिकॉज कल के दिन जिन कंपनियों के रिजल्ट्स आए थे, आज वो स्टॉक्स 11-12% या 10-10% के करीब उछले, जिसकी वजह से आज मिड कैप्स में हमें काफ़ी शानदार इजाफा देखने को मिला और इन शेयरों में भी थोड़ा बहुत नीचे से रिकवरी बनते हुए नजर आए। बट लास्ट में जैसे मिड कैप और जो मार्केट है वो थोड़ा बहुत और दबाव में आया, जैसे एफआईआई की तरफ से सेलिंग हुई, तो ये और गिरावट बनते हुए नजर आई है। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी एसजेविन में जिस खबर का इंतजार था वो न्यूज भी आ गई है। और एनएचपीसी और एसजेविन या फिर जो अदर स्टॉक्स है जो लगातार गिर रहे हैं अभी बड़ी गिरावट में मार्केट के चलते, क्या उनमें एसआईपी करना जारी रखें या फिर यहाँ से अभी स्किप कर दें भाई सब कुछ, ठीक है? तो ये सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए भी जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले मैं खबर आपको बता देता हूँ, उसके बाद डिस्कस करेंगे अभी चार्ट के ऊपर भी इनमें किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी हमें आगे के लिए बनानी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखो भी एसजेविन में एक नोटिस पब्लिश किया गया अभी, और ये जो अभी नवरत्न स्टेटस प्राप्त कर चुकी कंपनी है 23 तारीख आज की डेट में मार्केट क्लोजिंग के बाद आई है एनएससी बीएससी की साइट पर। इसे आप लोग जो अभी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या बताया भी, अपनी बोर्ड मीटिंग को लेकर सूचना दी है, जो कि इसके रिजल्ट वगैरह को लेकर होएगा भी आगे, जो कंपनी रिजल्ट वगैरह डिस्क्लोज करेगी उसी के रिगार्डिंग। तो रिजल्ट कब आ रहे हैं कंपनी के, 7 नवम्बर को, और 7 तारीख को ही आएंगे भी एनएचपीसी के। तो दोनों कंपनियां कब रिजल्ट दे रही है, 7 तारीख को, याद रखना। जैसे रिजल्ट्स आएंगे सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करके रखना भाई, ठीक है? तो चलिए अब डिस्कस करते हैं चार्ट के हिसाब से आगे किस प्रकार से हमें जो अभी इनके अंदर अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। क्या अभी इन शेयरों में एसआईपी जो कर रहे हैं वो जारी रखें, अगर रखें तो कितनी और गिरावट इन शेयरों में बनने की संभावना हो सकती है, या फिर मार्केट में जिस प्रकार से उम्मीदें आ रहे हैं कि निफ्टी 1000 पॉइंट और क्रैश हो सकता है, ये मैंने भी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, ठीक है? तो अगर उस कंडीशन में मार्केट टूटता है तो इन शेयरों में और कितनी गिरावट आ सकती है, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो गिरावट है वो हमें मार्केट में भी देखने को मिल रही है, और मार्केट के साथ साथ ये स्टॉक भी टूट रहे हैं। और अक्टूबर मंथ में तो आपने देखा होगा भी एफआईआई की तरफ से एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन खरीदारी हुई हो, लगातार सेलिंग हो रही है, और यहाँ से बेच करके वो आप लोग देखोगे जापान अमेरिका की तरफ अपने रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें दबाव दिखाई दे रहा है भाई। तो यहाँ से हमें अभी पैनिक नहीं करना है, अभी बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। 77 के आसपास स्टॉक आया हुआ है, या तो यहाँ से रिवर्सल इस शेयर में बन सकता है अभी एनएचपीसी में। अगर रिवर्सल नहीं होता है, स्टॉक यहाँ से और डाउन आता है, तो भी अपनी एसआईपी स्टार्ट रखो, ठीक है? अगर आपने कर रखी है स्टार्ट तो भी बेस्ट है, अगर नहीं किए करने के बारे में सोच रहे हो तो बेस्ट मौके हैं भाई अभी के टाइम। जो भी स्टॉक आपको 30% के ऊपर में, 35%, 40%, 50% तक गिरते हुए नजर आ रहे हैं अभी के टाइम मार्केट में, ठीक, और अच्छी क्वालिटी के शेयरों में पैसा लगाना नहीं, ऐसा नहीं कि भी जो छोटा मोटा शेयर उठाया उसके अंदर घुस गए, 50% टूट रहा है तो वो भी स्टॉक भागेगा नहीं। अच्छी क्वालिटी के शेयरों में जिनमें मार्केट की वजह से दबाव बना हो, कोई इंटरनल न्यूज़ की वजह से नहीं, तो उन शेयरों में हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि ये दोनों स्टॉक ही आप लोग देखोगे कोई खबरों की वजह से नहीं टूटे, मार्केट की वजह से गिरते हुए नजर आ रहे हैं, पैनिक सेलिंग हो रही है, तो ये पैनिक सेलिंग उतनी ही तेज़ी के साथ रिकवरी लेगा आप लोग देखो जब मार्केट में तेज़ी बनेगी भाई, ठीक है? और ऐसा नहीं कि कुछ एक शेयरों की वजह से तेज़ी बने, वो नहीं, ओवरऑल मार्केट में जो रैली बनेगी ना वो आप लोगों को किस प्रकार से यहाँ पर जान फूंकती है। तो अभी के टाइम जो सपोर्ट है 77 के आसपास का है वैसे तो, जिसको जो अभी देखो आगे के लिए चलना है, लॉन्ग टर्म के बारे में जो सोच रहा है भाई यहाँ पर 1-2 साल के लिए, वो अभी अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकता है भाई। और हर 5% से 10% की गिरावट पर आपको बताने भी स्ट्रैटेजी में नहीं बताने मैं नहीं आने वाला आपके पास, तो हर 5% से 10% की गिरावट के बीच आपको 10% पे लेना है, 5% की गिरावट पे लेना है। यहाँ से भी अगर 5-10% और टूटेगा तो कहाँ तक जाएगा, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ से आप लोग 1000 पॉइंट जाता भी है नीचे में, तो ये स्टॉक जो अभी 65 रुपये के आसपास, 68 रुपये के आसपास आ सकता है, और उस कंडीशन में एसआईपी नीचे से हमारी जारी रहेगी भाई। तो 35% टूटने के बाद एसआईपी स्टार्ट करना ये भी बेस्ट है, या फिर आपने पहले से कर रखी है स्टार्ट तो हर 5-10% की गिरावट के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए, और कम से कम 1-2 साल तक अगर होल्ड कर सको तो ही ट्राई करना भी ये स्ट्रैटेजी, ठीक है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट।
तो यहाँ पर देखो एसजेविन में भी गिरावट है अभी, ठीक है, जो भी सपोर्ट वगैरह बन रहे वो टूट रहे, अभी 1099 का सपोर्ट है अभी नीचे में, 114 को नीचे में काटा है इसने, अगला सपोर्ट 99 का है, अगर उस भाव तक आता भी है ये शेयर तो इसमें अगले कुछ टाइम में रिकवरी भी बनेगी जब मार्केट में तेजी बनेगी। सेम कंडीशन इसमें भी, कोई इंटरनल न्यूज़ की वजह से गिरावट नहीं हो रही है ये, और वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक थोड़ा महंगा हो चुका था, अभी के टाइम में आप लोग देखोगे भी ये 40-45 के पी पर आ चुका है, यानी कि ठीक हो चुका है इसका पी, इसका जो मार्केट पी है ना उससे ठीक है ये, ठीक, इंडस्ट्री पी से। तो अभी के टाइम जो सपोर्ट है 99 का है और स्टॉक आता भी नीचे में और गिरावट होती है तो यहाँ से ऐसा एपी स्टार्ट हो सकती है, कम से कम अगले 1-2 साल के लिए ट्राई करेंगे भाई। और आगे आपको बताऊंगा जिस प्रकार से गवर्नमेंट का फोकस है रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर, तो नज़रअंदाज नहीं करना है जो ये पावर सेक्टर की कंपनियाँ खासतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी से बिलोंग करती है उन कंपनियों के अंदर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट स्टॉक्स हो, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।